हम जब घर में अपना ईद का तैयारी कर रहे थे तो उसी में घुस गए आदमी लोग और हमको उठा के ले गए बाहर और मेरे इज्जत के साथ खेले और मेरा कपड़ा उपड़ा फाड़ के पूरा बलात्कार के सिवा हर चीज कर लिए उन लोग। और फिर धमकी भी देने लगे कि तुमको इस बार छोड़ दे रहे हैं और अब अगर बार नहीं छोड़ेंगे बोल के उसी में चिल्लाने लगे। तो मेरा ससुर निकल के आए हमको बचाने के लिए, तो मेरा ससुर को मार के उसका सर उर फाड़ दिए, उसको 16 टका लगा हुआ है। और फिर उसी में फिर से चिल्लाने लगे मेरा ससुर भी, तो मेरा शौहर लोग जितने भी मेरे पूरे परिवार थे सब निकल के आए, तो उन लोग को भी मार के एकदम पूरा पैर हाथ तोड़ दिए, किसी का सर फाड़ दिए, पूरा सबको घायल कर दिया उन लोगों ने। अगल बगल बचाने वाला कोई नहीं था? अगल कोई नहीं बगल आया? सब तमाशा देख रहे थे, सब तमाशा देख जी रहे थे। आप लोग प्रशासन के पास गए? गए थे जी, गए वहां थे। पे क्या हुआ? वहां हम बोले हर चीज बताए पर वहां कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। अच्छा, क्यों नहीं सुन रहे हैं? उन लोग बोले कि हम लोग 5 बजे आएंगे, 5 बजे का टाइम दिए सुबह में, फिर 11 बजे का टाइम दिए तब भी नहीं आए उन लोग। उन लोग बंधु तिरकी से मिले हुए हैं। अच्छा, बंधु तिरकी से मिले हुए हैं जी। उनके प्रतिनिधि, आपको कहना है कि उनके जो प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधि का नाम क्या हुआ? यूसुफ अंसारी। उनके कहने पर थाने वाले नहीं आ रहे हैं जी। अच्छा, आपके साथ क्या हुआ मैम? मेरे साथ जब ये रोने लगे चिल्लाने लगे तो हम बाहर निकले तो हमको भी पूरा मार पीट के पूरा जख्मी कर दी, पूरा पैर हाथ में बहुत कुछ किया, कपड़ा उपड़ा फाड़ दिए, चिल्लाने लगे, फिर बहुत मार पीट हुआ था उस जगह। कितने लोग घायल हैं आपके परिवार में टोटल अभी? 9 लोग घायल हैं। 9 लोग घायल हैं, 2 जन सुनने में आया है कि बहुत सीरियस रूप से घायल है। पुलिस को हम इन्फॉर्म किए है ना कि मेरा घर में हत्या हो रहा है सर, तो आप जो है वहाँ फोर्स को भेजिए का। तो वहाँ पर फोर्स तो नहीं पहुँचा, लेकिन हम भतीजा लोग को फिर कहा कि किसी तरह लेके आओ बाबू, हम पहुँच रहे हैं। थाना गए, थाना में हम अपना आवेदन जो भी हुआ जो हम देखे कि मेरा भाई का मैंने हाफ मर्डर हो गल है, भतीजा का किसका सर फटल है, किसका हाथ टूटल है, 9 लोग को घायल देखे, तो हम मरीज को देखेंगे का, हम आवेदन लिख के और हम दे कर चले गए। तो वो लोग भी काउंटर केस किया, तो पुलिस का कहना है कि दोनों तरफ से भेजेंगे कह के, और मेरा आवेदन में जितना धारा लगाया है उतना वो लोग का भी आवेदन में लगाया है। इसलिए हमारा कहना यह है कि ये लड़ाई जो है मर्डरेला वाला लड़ाई है, मर्डर करने के हैसियत से आया था वो लोग घर, इसलिए इसका लड़ाई बने इस्लाम नाम है ये बूढ़ा घुकरा का है। वो कहने लगे कि कम्प्रोमाइज कर लो इम्तियाज कह के फोन करके हमको करीब 8 बजे। किस लिए कॉम्प्रोमाइज करना? मैंने प्रतिनिधि है वो भी प्रखंड अध्यक्ष है यूसुफ का पक्ष में कि कम्प्रोमाइज कर लो कह के। किसका प्रतिनिधि है? ये बंधु तिर्की का है, इसलिए कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। हाँ, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। तो हम बोले कि हमारा भाई आधा मर गया है और भतीजा लोग का हाथ पैर सब फट गया है, टूट गया है, तो इसमें हम तो कम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये जानलेवा हमला है। इसलिए हमको सीएम जगह जाना पड़े या फिर हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जहाँ भी जाना पड़े, हम अपना परिवार को बचाने के लिए ये लड़ाई के लड़ने के लिए हम तैयार हैं। हमको न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। अच्छा, प्रशासन अभी तक क्या किया है? प्रशासन अभी तक बहरा टोली नहीं गया है, नहीं गया है, नहीं गया है, और ना मुजरिम सीना तान के घूम रहा है जो कि है मुजाहिद अंसारी है ना, और इनायत अंसारी, इदरीस अंसारी, निजावत अंसारी, यूसुफ अंसारी, ये लोग का कहना है कि अगर बंधु तिर्की का खास आदमी है, तुम जहाँ भी जाओ, जहाँ भी जाओ हम देख लेंगे, जहाँ भी जाओ हम देख लेंगे, बंधु का हम आदमी है, खास आदमी। विधायक के नाम का ध्वज है मतलब। हाँ, विधायक का आड़ लेकर के जो है ये लोग बोल रहा है, तुम जहाँ भी जाओगे हम कुछ नहीं तुम हमारा उखाड़ में सकोगे। अगर तो तुम्हारा बेटी बहन को जो भी किए हल्का फुल्का में छोड़ दिए, अगर जो है कुछ हद तक भी हो सकता है, इसलिए हम इस लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं। कहे कि हमारा दुनिया में कुछ नहीं बचा है। अच्छा, आप लोग सुनने में आया कि आप लोग ने जो एसपी हैं, ग्रामीण एसपी, उनको भी फोन किया? हाँ, उसको भी हम अपना। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ये बोला कि मैंने दोनों तरफ से मारपीट हुआ है, सुनने में आया है, हाथा थपा थपी हो या जो भी है कह के फोन काट दिए वो। अच्छा, वो दोबारा फोन लगाया तो? फोन 1-3 बार ट्राई किए, नहीं उठाए फोन, तो भाई प्रभारी से हम क्या करें, इसलिए हम। अच्छा, आप लोग दोबारा थाना गए थे? दोबारा थाना गए थे तो एक आवेदन का
जैसे कि हम तो मरीज जो देखे कि भाई का पैर टूटल है, हाथ टूटल है, माथा फटल है, उसी का लिखे, तो उतना घटना तो मालूम नहीं था। जब महिला लोग का साथ बदसुलूकी किया गया तो लोग अपना आवेदन लेकर आए, तो जोगिंदर सिंह खास बोल दिए कि एक केस में दो आवेदन नहीं होगा कह के। जोगिंदर सिंह ये कौन है? ये वहाँ का छोटा बाबू है।